नमस्कार, मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। 5 लाख रोजगार, 10वीं के छात्रों को लैपटॉप और हर साल 2 फ्री सिलेंडर देने का वादा। आपको बता दें, भाजपा ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी घोषणा पत्र जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कॉलेज छात्रों को हर साल 3000 रुपये यातायात भत्ता दिया जाएगा। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को टेबलेट और लैपटॉप मिलेगा। उन्होंने कहा कि 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर साल 2 फ्री LPG सिलेंडर दिया जाएगा। अटल आवास योजना के जरिए भूमिहीन लोगों को 5 मरला जमीन मुफ्त दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटें हैं, जिनमें से 47 घाटी में और 43 जम्मू संभाग में है। प्रदेश में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 फेज में चुनाव होने हैं। नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का है, था और रहेगा। महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर साल 2 फ्री LPG सिलेंडर। मां सम्मान योजना के जरिए हर एक परिवार की सबसे सीनियर महिला को 18,000 रुपये महीने की आर्थिक सहायता। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का लोन माफ की घोषणा की गई है। वही स्टूडेंट्स और युवाओं के लिए जो बीजेपी के संकल्प पत्र में दिए गए हैं, पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के जरिए 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना है। प्रगति शिक्षा योजना के तहत कॉलेज स्टूडेंट्स को हर साल 3000 रुपये यातायात भत्ता दिया जाएगा। किसानों के लिए जरूरी खबर। समर्थन मूल्य पर 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक करा सकते हैं धान, ज्वार एवं बाजरा उपार्जन के लिए पंजीयन। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा उपार्जन के लिए किसान पंजीयन प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया है। किसान 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से आग्रह किया है कि निर्धारित समय सीमा में पंजीयन करा ले, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। उन्होंने बताया कि किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। किसान स्वयं के मोबाइल से घर बैठे पंजीयन कर सकेंगे। किसानों को पंजीयन केंद्रों में लाइन लगाकर पंजीयन कराने की समस्या से मुक्ति मिलेगी। किसानों को मोबाइल से पंजीयन करने की सुविधा के अतिरिक्त अन्य व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र पर, सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं पर संचालित पंजीयन केंद्र तथा एमपी किसान ऐप पर भी की गई है। मुख्यमंत्री नौ को आएंगे बिना, 3.5 घंटे रुकेंगे, नगर परिषद और तहसील की करेंगे घोषणा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री मोहन यादव 9 सितंबर को बिना आएंगे। मुख्यमंत्री पहले 4 सितंबर को बिना आने वाले थे, लेकिन उनके पिता के निधन के कारण बिना दौरा निरस्त हो गया था। बिना आगमन के लिए मुख्यमंत्री का पहली बार अधिकृत कार्यक्रम भी उनके ऑफिस से जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक वे 1:15 बजे बिना पहुंचेंगे और 4:15 बजे बिना जैसे जाएंगे। यहीं वे 3 घंटे 50 मिनट रुकेंगे। लाडली बहना योजना की सहायता राशि अंतरण कार्यक्रम में बिना सहित प्रदेश भर की लाडली बहनों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से सितंबर माह की राशि भेजेंगे। कार्यक्रम भले ही लाडली बहनों का हो, लेकिन मुख्यमंत्री का ये बहुप्रतीक्षित दौरा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई बिना विधायक निर्मला का भविष्य भी तय करेगा। मुख्यमंत्री ने के कार्यक्रम के बाद वे कभी भी कांग्रेस से और विधायक पद से त्यागपत्र दे देगी। इसके बाद बीना में उपचुनाव का रास्ता भी साफ हो जाएगा। मुख्यमंत्री बीना में मंडी बमोरा को नगर परिषद और खिमलासा को तहसील का दर्जा देने के साथ ही बीना के वंचित गांव को बीना नदी परियोजना से जुड़ने, सिविल अस्पताल को 100 बिस्तर का करने, बीना में रिंग रोड पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने, बीना नगर पालिका की सीमा वृद्धि को स्वीकृति आदि अन्य घोषणा कर सकते हैं। सीएम मोहन यादव 9 सितंबर को लाडली बहनों को 1250 रुपये की किस्त जारी करेंगे। इन 64 लाख से ज्यादा किसानों की हुई चांदी खाते में क्रेडिट होंगे 7000 रुपये। सरकार ने बनाई लाभार्थियों की लिस्ट। आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसी तरह राज्य सरकार भी अपने यहाँ किसानों की कुछ लाभकारी योजनाओं का संचालन करती है। यहाँ जिस योजना की बात हो रही है उसका नाम है रायतु बंधु योजना, जिसके तहत किसानों को सालाना 10000 रुपये का लाभ दिया जाता है। हालांकि ये लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है जिनका रजिस्ट्रेशन पीएम किसान निधि के तहत हुआ है। आपको बता दें, तेलंगाना की सरकार किसानों के खातों में सालाना 10000 रुपये का लाभ देती है। प्रति 6 माह में किसानों खातों में ये लाभ दिया जाता है। रायतु बंधु योजना के तहत साल में 2 बार 55000 रुपये का लाभ दिया जाता है। जानकारी मिल रही है कि जब पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली 18वीं किस्त पात्र किसानों के खातों में आएगी, लगभग उसी समय रायतु बंधु योजना के तहत मिलने वाली 5000 रुपये किस्त भी दी जाएगी। यानी कुल 7000 रुपये तेलंगाना के किसानों खातों में जमा किए जाएंगे। हालांकि इन दोनों किस्तों में टाइम का वेरिएशन हो सकता है, लेकिन कुछ समय के अंतराल में ये धनराशि किसानों खातों में डाली जाती है।
वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में कभी भी जारी हो सकती है। 18वीं किस्त को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा।